हमीरपुर जनपद के टोला रावत गांव में नहर फटने से पूरे गांव में पानी भर गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरा गांव जलमग्न नजर आ रहा है। गांव में छात्र छात्राओं का विद्यालय जाना दुर्भर हो रहा है, उन्हें पानी में डूबकर विद्यालय जाना पड़ता है। गांव के लोगों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र भारती की रिपोर्ट। बुंदेलखंड वैसे तो अपने आप में एक अनोखी और प्रसिद्ध जगह है, जहां से देश की आज़ादी के लिए क्रांति की ज्वाला भड़काने में झांसी रानी का नाम शान से लिया जाता है। तो वहीं सैकड़ों स्मारक स्थित हैं जो अपने आप में अनोखी मिसाल कायम करते हैं। ऐसी ही धार्मिक परंपरा से जोड़ने वाली हमीरपुर जनपद के राटनगर में बनी ईदगाह नक्काशी और बेजोड़ सुंदरता का एक जीता जागता नमूना है, जिसे देखने दूरदराज से लोग आते हैं। जबकि इस ईदगाह का पहला निर्माण कार्य मुगल काल में हुआ था, जो ईंट और मिट्टी से बनी हुई इमारत में चूने की नक्काशी की गई थी। वर्षों बीतने के बाद जब लोगों की तादाद अधिक हुई तो ईदगाह का पुनर्निर्माण हुआ। आपको बता दें, मुगल काल से अब तक इस ईदगाह का निर्माण 3 बार हो चुका है। कल मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार, तैयारियां हुई पूरी। राखी के पर्व को लेकर बाजार में रौनक लौट आई है। भाई बहन के पवित्र त्यौहार को लेकर पूरे नगर में राखियों की दुकानें सजने लगी हैं। हर्षोल्लास से त्यौहार को मनाने की लोगों में एक जोश और खरोश देखा जा रहा है। पूरी तरह से बाजार गुलजार नज़र आ रहे हैं, सजने लगी हैं राखी की दुकानें, पूरी तरह से बाजार रौनक लौट आई है बाजारों में, और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लगाने में मसरूफ़। हमीरपुर से हमारे संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।